और मैंने सख्ती से मना किया हूँ वहां से बाहर में, आप लोग गवाह होंगे कि भाई मैं मर जाऊँ या जिंदा रहूँ मेरा नाम कहीं मत देना, क्योंकि मेरे बच्चों के अंदर ताकत होता रहेगा, अल्लाह ने नवाजा रहेगा, तो ईसा सवाब के लिए कई मस्जिद मदरसा छोटा मोटा काम कर देंगे। आप लोग सभी इसके अंदर तशरीफ लाए। कल महासभा होने के बाद से खासतौर से हमारे कई पत्रकारों को कश्मीर थे कि भाई क्या मैं बोलने वाला हूँ शनिवार को, लेकिन मैंने एक दिन पहले आज की पत्रकार परिषद बुला लिया। पत्रकार परिषद बुलाने का मकसद यह है, मतलब यह है कि मेरी कुछ दिनों से शहर भर में नज़र है कि शहर को किस तरफ ले जाया जा रहा है। मुझे पिछले कई वर्षों की याद आने लगी कि जब शहर के अंदर कोई ऐसा माहौल बनाया जाता कि शहर की फिजा खराब करके अपनी राजकीय रोटी सेकने की कोशिश होती है। मैं भी वीडियो वगैरह दूसरे के वीडियो के ऊपर, दूसरे के मोबाइल के ऊपर देखता हूँ, क्योंकि मैं व्हाट्सएप नहीं चलाता, उसके ज़रिए मुझे मालूमत होते रहती है। कुछ लोगों के बयानात जो आने लगे हैं, ढंग और तरीका उनका थोड़ा अलग अलग है, उससे समझ में आता है कि शहर को कई वर्षों के पहले माहौल बना करके आग में झोंक दिया जाता था और इन दिनों भी यही कोशिश जारी है शहर में। कोई कहता है कि एकात्मता चौक का नाम मुस्कान खान के नाम से रख दिया जाए, किसी की ये कोशिश थी जिसको मालेगांव शहर के मेयर महापौर साहिबा ने मुस्कान खान का नाम उर्दू घर को दिया। कुछ लोगों की ये तीन चार दिनों के अंदर कोशिश थी ताकि शहर का वातावरण खराब हो जाए, वहाँ भगवा झंडा लगा दिया जाए। मेरे सुनने में आया भगवा झंडा कहाँ पे लगा जाएगा? उर्दू घर पे। अच्छा। ताकि इस तरीके से माहौल खराब हो, इधर भगवा और उस इलाके के अंदर हमारे हम वतन भाई हिंदू भाइयों के इलाके में कहीं भी हरा झंडा। ऐसी कोशिश कुछ राजकीय लोगों की थी, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी उसके ऊपर और हमारे बहुत सारे साथियों की नज़र पहले से है और उसके अंदर वो कामयाब नहीं हो पा रहे, शायद मौका नहीं मिल पा रहा है। और मेरी जानकारी में है कि पुलिस डिपार्टमेंट को भी उसकी माहिती मिल चुकी है। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी, मैं समझता हूँ, अभी रोज़ दो पुलिस वालों की शायद ड्यूटी लगा दी उर्दू घर के ऊपर, बाकायदा डायरी वगैरह वहाँ रख दी गई और उसकी नोन वगैरह चालू है, रोज़ हाजिरी देते भाई। ऐसा असल में यहाँ के कुछ राजकीय पार्टियों के पास में मुद्दे नहीं हैं आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में, और वही फिर दिल लाया वाली बात, बुजुर्ग रहनुमा ने आलम साहब दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मगफरत करे, उनका तरीका अपनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो एक अलग व्यक्ति थे, वो तो क्या करते थे समझ में नहीं आता, तो घटना घट जाती थी। लेकिन अभी क्या है, उनके मोहरे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे, और अल्लाह करम से आगे भी कामयाब नहीं हो रहे।
पुलिस डिपार्टमेंट के पास मेरे मालूमात के हिसाब से चौकसी आ चुकी है ऐसे लोगों की, और ऐसे लोगों की चौकसी शायद पुलिस डिपार्टमेंट की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे ही बेचारे हमारे कुछ शहर के नौजवान कारोबारी लोग, गरीब लोग परेशान हैं, उनके वालदेन परेशान हैं, वो अटके हुए हैं। लेकिन क्या ऐसा घटना फिर से कोई ऐसी बड़ी घटना को अंजाम दे करके ये लोगों को बाहर शायद नहीं आने देना चाहते, ऐसा मुझे शक होने लगा है। मतलब कैसे मैम, तो नाम नहीं ले रहा ना, 12 नवंबर बोल दिया। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कोई घटना घटे ताकि जो अंदर है वो बाहर ना आ सके, ऐसा मुझे लगने लगा ना। हाँ, एक वो और उसके पीछे वो इलेक्शन सीधा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा है कि शहर की आवाम, जनता बाशऊर है, चाहे वो हिंदू समाज के हो चाहे मुस्लिम समाज के हो। मेरी मालूमत तो ऐसी है कि शिवसेना के लोगों को बोला गया कोई भी किसी भी व्यक्ति को, यार आप लोग की पोजीशन खराब है और हमारी भी पोजीशन खराब है, क्यों नहीं ये शहर का वातावरण खराब कर देते, घटना घड़ा देते, आपका भी इलेक्शन सीधा हो जाएगा और हमारा भी इलेक्शन सीधा हो जाएगा। उसके अलावा कल मैं जब महासभा में घर से ऑनलाइन था तो लोगों का तरीका देख रहा था, अगर बीजेपी और सेना की कोई बात थी, कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है, ठीक है वो अपनी अपनी एक आस्था है, बीजेपी के लोग चाहते थे कि भाई हम डेकोरेशन वहाँ करें, लेकिन उस ताल्लुक से बोल रहे थे बीजेपी घट नेता के भाई हम आंदोलन करेंगे। इधर से बोला जा रहा था कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आंदोलन करो, कोई सदस्य बोल रहे थे, हालांकि इलेक्टेड सदस्य नहीं है। अब यहाँ तो कौम की बहुत हमदर्दी रखने वाले लीडर है, हर टाइम कौम का सहारा लेते। कोई बोल रहा था कि हम मुस्कान खान का नाम रखने नहीं देंगे, कोर्ट में जाएंगे, गवर्नमेंट में जाएंगे। कोई ये बोल रहा था कि मैंने उसके ऊपर उनसे बाकायदा बोला, आप लोग शायद मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे वीडियो पे, कि तुम कौम के हमदर्द है के दुश्मन है। और मालेगांव शहर के अंदर कुछ लोग ऐसा समझते हैं ना कि बड़ा लीडर जल्दी से बन जाने का, लेकिन ये शहर की आवाम, जनता जब जिसको बड़ा बनाती है, अल्लाह के रहम करम से जो 10 पार्टियाँ घूमते रहे तो लीडर बनते गए। अगर मुझे स्टैंडिंग चेयरमैन नहीं मिला तो फर्ज के खिलाफ हो जाता लीडर के, किसी को 2 टिकट नहीं मिला तो लीडर के खिलाफ हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं और बड़े लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि पुलिस डिपार्टमेंट ईमानदाराना तरीके से शहर को आग में झोंकने नहीं देगी, गलत लोगों की पलानी कामयाब नहीं होने देगी और उसकी चौकसी करेगी, और उनके ऊपर ज़रूर इंशाल्लाह वो पुलिस डिपार्टमेंट कार्रवाई करेगा। और मैं बहुत बारीकी से नज़र रखता हूँ, 12 तारीख के दिन भी इत्तेफाक से मैं, वो भी जुमा का दिन था, मैंने तो कभी मुस्लिम समाज में इतना सक्सेस बंद बचपने से लेके आज की उम्र तक नहीं देखा था। क्या 12 नवंबर की जो जो बंद ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है उस जमाने के लीडर नेताओं ने बंद कराया, लेकिन तो भी
100% मुस्लिम एरिया में नहीं हुआ, या कोई धार्मिक नेताओं ने भी अगर बंद कराए तो इतना 100% नहीं हुआ था। जबकि 12 नवंबर की बंद के ऊपर बाकायदा 100% बंद हुआ था मुस्लिम, यहाँ तक के गली की एक किराना दुकान जुमा होते हुए नहीं खुली थी। एक ठेला गाड़ी या एक कोई पप्पड़ बेचने वाला भी गली से नहीं गुजर रहा था। हमारे शहर की परंपरा है कि जुमा के दिन यानी शुक्रवार के दिन बेटियां ससुराल से मायके जाती, वो भी मैंने नहीं देखा। लेकिन कुछ लोगों को लगा कि भाई ये राजकीय रोटी सेकने का मौका अच्छा है, सब बंद थी। लेकिन मेरे पास प्राइवेट रिक्शा, इसके लिए मैं कोर्ट में गया और आयुक्त के पास गया था और उधर से वापिस आ रहा था। जब मैं नज़र मारा, तबरेज मेरे साथ में था और यहाँ हजार खुली के ऑफिस में रस्ते में उसको बोल दिया था कि अरे ये माहौल ख़राब करने वाले हैं शहर में। आके बैठा आधा पौन घंटा हुआ और वहाँ आंसू गिरने शुरू हो गए। मैं तो वो मुबारकबाद देता हूँ उस वक्त जो फील्डों के ऊपर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग थे, चाहे PI हो, चाहे API हो, चाहे कांस्टेबल हो, या डिप्टी मैडम हो, या फिर बड़े अधिकारी इनके पुलिस डिपार्टमेंट, उन्होंने समझदारी दिखाई, पत्थर खाया, जो भी खाया, गालियां सुनी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये शहर को 12 नवंबर को जलने से बचाया। लेकिन इलेक्शन अब आज से बहुत 3 महीना है, 3 महीना समझो, आज 18 तारीख है, तो मैं समझता हूँ 3 महीने 5 दिन इधर आगे पीछे रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि पुलिस डिपार्टमेंट ऐसे नासूरों को जो हिंदू मुस्लिम करा करके राजकीय रोटी सेकने वाले जो लोग हैं उनको कामयाब नहीं होने देंगी और ये शहर के अंदर अमन कायम रखेगी। मैं खास तौर से मालेगांव शहर के नौजवान पीढ़ी जो है, मालेगांव की बोली भाली आवाम को लोग वरगला देते हैं ऐसे टाइम पे, और वरगला करके ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जिनका दूर दूर तक कुछ नहीं रहता है। इसलिए शहर की जनता को, आवाम को, नौजवानों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को सावध रहने की ज़रूरत है कि कोई कुछ भी करने लगे और आप लोग आगे आ जाओ और अपना नुकसान कर लो, और प्लस कारोबार का भी नुकसान होता, शहर का भी नुकसान होता। अगर शहर जलता है तो हमारे शहरियों का बड़ा नुकसान होता है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पूरी डिपार्टमेंट इसके ऊपर ध्यान रखेगी और मालेगांव शहर का वातावरण बिगड़ने नहीं देगी। अब अगर आपको कुछ पूछना है तो इतना सारा अभी आप बोले, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, आपकी पार्टी के पास है, तो क्या कुछ वहाँ ये सब बातें बताएंगे आपके मालेगांव पे भी नजर रखने के? वक्त तो आने बताएंगे, सबूत भी देगा वक्त तो आने में, वक्त तो आने पे सबूत भी देगा। आज किसका नाम नहीं बोलता, घटना खत्म हो जाने के बाद का बयान आया महासभा, ये अलग मुद्दा पूछा, अब तो बात नहीं बोल वो बताऊंगा अभी, तो मालूम था ये सब विषय आएंगे ना कि उर्दू घर पे भगवा झंडा लगाने की कोशिश की, तो पुलिस डिपार्टमेंट के पास उसकी माहिती है, फिर भी पुलिस डिपार्टमेंट के पास उसकी माहिती गई जब उन्होंने पुलिस भेजी ना, मतलब समझ जाना, एक तरफ भगवा एक तरफ हरा, वातावरण ही खराब करना है ना। और शिव जयंती कल, हरा झंडा का लगा दिया, हो सकता शिवाजी महाराज के ऊपर लगाए देते, महात्मा फुले जी के इस पर लगा देते, कहीं भी लगा सकते थे, एकात्मता चौक पे लगा देते, कहीं भी लगा सकते थे। मैं नहीं सांगितला बाबा निहाल साहब, जब जिंदा थे तो भगवा झंडा और हरे झंडे की भी सियासत थी, तो वही सियासत फिर अभी चलाने को हम कोशिश कर रहे, चट्टू पट्टू वो अलग इंसान थे,
करके गुजर जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था, और कभी जेल में भी नहीं जाते है क्या। उल्टा पुलिस संरक्षण में लेती थी, डब्बे में डालती थी, पुलिस स्टेशन ले जाती थी, बाद में भेज देती थी घर पर। अब ये पहला सवाल तुम्हारा, आप कल महासभा के बाद अपोजिशन लीडर को भी आया, हमारे 38 में से 26 हाजिर थे, शिवसेना और बीजेपी कटस रही बराबर, और 3 लोग ने विरोध किया, जिसकी एक की वोट नहीं है दोनों ने विरोध किया बराबर, बाकी अंदर साहब के लोग ने तो विरोध नहीं किया, तो बहुमत से तो मंजूर हो गया ना, अगर वो भी विरोध करते तो भी बहुमत से मंजूर था। एमआईएम तो हाजिर ही नहीं थी, 7 में से 7 हाजिर नहीं थी, फिर कैसे गया। मैं बोला ना चट्टू पट्टू को झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है, गुमराह करने की बात है, उसके अंदर मुस्तफा सेठ बीड़ी वाले का नाम एक जगह दिया गया, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, एक एक विषय के ऊपर नहीं पूछते हैं, वावेला मचाते हैं और मुद्दे से हट के हमेशा बात करते हैं। कारपोरेटर बनना या आमदार बनना या खासदार बनना, मुद्दे को लेकर के जो विषय चल रहा है उसके ऊपर बात की जाती है। कितने लोगों को तो समझ ही नहीं आया कि वो मुस्तफा सेठ का नाम दिया गया कि नहीं दिया गया, लेकिन विट्ठल बर्वे की यादी पे अलहाज मुस्तफा सेठ बीड़ी वाले का नाम, दयानंद के अंदर जो मैनरिटी हॉस्पिटल बन रहा है 4 करोड़ 4.25 करोड़ की लागत से, उसका नाम मुस्तफा सेठ का नाम दिया गया, अखबारों में आ चुका है। अब तुम और क्या बोले, मुस्लिम बेटी मुस्कान खान उसकी दिलेरी की बहादुरी को देखते हुए आपने उनके घर का नाम दिया, लेकिन एक सदस्य ने कोर्ट का हवाला दिया, कोर्ट जाऊंगा मतलब उसको बोला ना, मैं वो उधर ऑनलाइन था, मैं इधर घर में से ऑनलाइन था, बोला ना कि ऐसे कैसे कौम के अंदर से, तुम तो कौम के दुश्मन है क्या। अरे काली मुस्कान खान ही नहीं, मेरे देश की कोई भी हिंदू बेटी भी अगर ऐसे जिगर का काम करती तो उसके लिए भी हम लड़ते, क्योंकि मैं शेख रशीद, मेरी फैमिली हिंदुस्तानी मुसलमान है, खाली मुसलमान मतलब थोड़ी क्या, ये हर जाति हर समाज हर जबान का देश है भाई। और कोई बात है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब कानून बनाया तो बाबा साहेब अम्बेडकर साहब तो मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ बच्ची की, लेकिन एक जमावड़ा 1 हिजाब लगा के एक बेटी कॉलेज में आती है और उसको जय सियाराम बोल करके चिढ़ाते हैं, उसे डेयरिंग करी और इसलिए उसकी डेयरिंग का बहादुर बेटी का नाम हमने सोच समझ के, उर्दू घर कल्चर घर भी है, उर्दू घर स्टडी सेंटर भी है, उर्दू घर लाइब्रेरी भी है, वहाँ उर्दू घर के अंदर कवि सम्मेलन का भी काम होगा, इसके लिए उसका नाम उनको फिट लगा, हमने फिट दिया ताकि देश की हिंदू मुस्लिम बेटियों को हौसला मिले, और इसको भी हौसला दिया हमने। ठीक है, तो हो गई, नाम भी लिखाएंगे, क्यों नहीं लिखाएंगे, अरे वाह बोर्ड लगेगा। अभी हारून अहमद अंसारी साहब का नाम दिया ना, नाम लिखे ना, कमाल यार, कहाँ छोटे से बड़ा हो दो। अबे कांग्रेस पार्टी पिछली जब हम जहाँ थे और आज की राष्ट्रवादी कांग्रेस में जहाँ आज हम हैं, रिकॉर्ड अगर उठा के देखेंगे तो जो लोग बोल रहे थे आशा किम का नाम देने का उर्दू घर को, कोई बोल रहा था भला शहर का नाम दो, है ना, जूना फिल्टर प्रधान को भी हम ही लोग ने आशापा का नाम दिए, नई महासभा हॉल का नाम हम ही लोग ने निहाल अहमद मरूम का नाम दिए, हाजी शब्बीर अहमद का नाम हज कमेटी को हम ही लोग ने दिए, है ना बराबर, स्टैंडिंग कमेटी के हॉल को भी हाजी शब्बीर अहमद का नाम हम ही लोग ने दिए। मेरे उस्ताद मोहतरम उनका भी नाम हारून अहमद अंसारी का नाम भी हम ही दिए, उनके साथ शब्बीर सेठ के साथ हमेशा रहने वाले हैं,
और ऐसे व्यक्ति थे हमारे हाजी मुस्तफा सेठ पीढ़ी वाले कि वो पार्टी को दिल से चाहते थे, कार्यकर्ता को दिल से चाहते थे, इसलिए हमने मुस्तफा सेठ का नाम भी दिए। और मैंने सख्ती से मना किया महासभा हॉल में, आप लोग गवाह होंगे कि भाई मैं मर जाऊँ या जिंदा रहूँ मेरा नाम कहीं मत देना, क्योंकि मेरे बच्चों के अंदर ताकत हौसला रहेगा, अल्लाह ने नवाजा रहेगा, तो ईसा सवाब के लिए कई मस्जिद मदरसा छोटा मोटा काम कर देंगे। ये तो मालिका मेरा कि राज करता, मेरे बाप का नाम दे, दादा का नाम दे, मेंबर ही उठता बोलता। ये जितने नाम दे कि किसी ने हमको बोला नहीं था, ये हमारी अपनी मर्जी थी। ऐसे लोग का नाम दिए, अच्छे लोग का नाम दिए तो